महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव के लिए बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है और सबसे खास बात यह कि इस लिस्ट में पंकजा मुंडे का नाम शामिल है। पंकजा मुंडे ने बीड से लोकसभा चुनाव लड़ा था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने मुंडे के बाद योगेश तिलेकर, परिणय फुके और अमित गोरखे और सदाभाव खोत को भी प्रत्याशी बनाया है। इस साल महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव है और इन सभी सीटों पर 12 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्र नेतृत्व को 11 नामों की सूची भेजी थी। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के दिग्गजों में 5 नामों पर मुहर लगा दी गई है और इस फैसले के चलते पंकजा मुंडे कई सालों बाद एक बार फिर से सभागार में नजर आएंगी। हालांकि विधान परिषद के लिए पंकजा मुंडे की उम्मीदवारी कई मायनों में काफ़ी अहम मानी जा रही है। संसदीय राजनीति में पंकजा मुंडे का सफ़र थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा। वो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीड लोकसभा क्षेत्र से हार गई, लेकिन महाविकास अघाड़ी की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद पवार की पार्टी के उम्मीदवार बजरंग सोनवणे ने पंकजा मुंडे को हराया। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में पंकजा को हार का सामना करना पड़ गया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे की हार से उनके कई समर्थकों को गहरा सदमा लगा था और आपको याद होगा कि उनकी हार की वजह से कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली थी और ऐसे 4 घर थे जहां पर कार्यकर्ताओं ने खुदकुशी की थी। इसके बावजूद अब पंकजा की जो राजनीतिक सफ़र है वो अभी नहीं रुक रहा और एक के बाद एक 4 समर्थकों की आत्महत्या के बाद पंकजा मुंडे ने वीडियो जारी करते हुए कहा था कि समर्थक आत्महत्या करना छोड़ दें, नहीं तो वो राजनीति छोड़ देंगी। पार्टी इन नामों के जरिए ओबीसी, आदिवासी, किसान, बंजारा समाज को भी साधने की कोशिश कर रही है। एक तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग का सहारा ले रही है। किसान नेता सदाभाऊ खोत ने MLC का टिकट मिलने पर कहा कि बीजेपी नेताओं ने मुझ जैसे सहयोगी दल के छोटे किसान नेता को टिकट दिया है, इसके लिए वो PM मोदी और JP नड्डा का धन्यवाद देते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी दल के नेताओं ने जो महाराष्ट्र की जनता से झूठ बोला और वोट लिया, विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा। किसानों को हमेशा से बीजेपी ने सम्मान दिया है। कांग्रेस के 50 साल के राज में 80,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में MLC का चुनाव 12 जुलाई को होना है और राज्य के उच्च सदन में 11 सीटें हैं जिन पर मौजूद MLC का 6 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए इन सीटों पर फिर से चुनाव होने हैं। 12 जून को सभी 11 सीटों पर मतदान के बाद 12 जुलाई को 11 सीटों पर मतदान के बाद उसी दिन शाम को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो 11 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और सबसे खास चेहरा जो है वो पंकजा मुंडे का है। लोकसभा चुनाव के हार के बाद क्या MLC चुनाव आसानी से जीतती हैं पंकजा मुंडे या इसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।